हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट ZXi प्लस 2024 के वेरिएंट के बारे में। हमने इसका फुल डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया, इसलिए वीडियो के लास्ट तक रहना। और अभी हम खड़े हैं सुजुकी के स्टॉक यार्ड में, मारुति सुजुकी अरेना डीसा मालगढ़ में खड़े है। और हम अब इसकी आगे की बात करें तो इसमें आपको लंबाई की बात करें 3845 mm मिल जाएगी और चौड़ाई आपको 1735 mm मिल जाएगी और ऊंचाई आपको 1530 mm मिल जाएगी। और अब हम इसके की से स्टार्ट करते हैं। की में आपको लॉक एंड अनलॉक की सिस्टम मिल जाएगी और इसमें आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा बीच में। और फ्रंट प्रोफाइल में आपको LED प्रोजेक्टर एंड हेलोजन फॉग लाइट मिल जाएगी और बीच में आपको सिल्वर क्रोम में सुजुकी के लोगो के साथ आपको लाइन मिल जाएगी। और इसके आगे की बात करें तो आपको दोनों तरफ LED प्रोजेक्टर एंड फॉग लाइट मिल जाएगी और इसमें आपको बहुत बढ़िया लुक के साथ फ्रंट प्रोफाइल मिल जाएगी। अब हम इस और आगे की बात करें तो इसमें आपको बहुत बढ़िया लुक मिलने वाला है स्विफ्ट में, तो और लुक गाड़ी का बहुत बढ़िया आता है। तो इसके ORM की बात करें, ORM में आपको इंडिकेटर मिल जाएगा और ऑटो फोल्ड और ऑटो एडजस्टमेंट मिल जाएगा। और आगे इंटीरियर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे डोर पे देखें तो आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, जहाँ आपको डोर लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से कीलेस एंट्री आपको मिल जाएगी। और अब हम इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में आपको जो डोर से बात करें तो डोर में आपको चारों विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे और आपको हैंडल है जो सिल्वर कलर के क्रोम में मिल जाएगा। अब हम इसके इंटीरियर की बात करते हैं, ओवरऑल इंटीरियर तो बहुत बढ़िया लुक दे रहा है गाड़ी का। अब हम इसमें आपको बैठ के दिखाते हैं और गाड़ी का लुक कैसा लग रहा है इंटीरियर का। तो हम इसके पहले सीट पीछे कर देते हैं, इसके इग्निशन ऑन कर देते हैं गाड़ी का, जिससे हमें पता चले कि कैसा सब कुछ है। हम इसका और वन टाइम पुश करके इग्निशन ऑन कर देते हैं। चाबी हमने इसमें रख दी है, थोड़ी सी जगह है वहाँ पर। अब हम इसके बात करते हैं तो और लुक गाड़ी का बहुत बढ़िया लग रहा है। अंदर से भी आपको जैसे स्पोर्ट कार चला है वैसे फीलिंग आने वाली है। यहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड ORM मिल जाएगी, जो आपको अंदर से भी आप फोल्ड कर सकते हैं। और आगे की बात करें तो आपको जो इंटीरियर है जो बहुत बढ़िया मिल जाएगा। बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, वो राउंड शेप में मिल जाएगा। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम अप एंड डाउन के और कॉल कट और उठाने के लिए आपको मिल जाएगी। और इसमें आपको डी कट का स्टीयरिंग मिल जाएगा जो सिल्वर फिनिश में आपको मिल जाएगा। और अब हम इसके क्लस्टर की बात करते हैं। क्लस्टर आपको बीच में डिजिटल मिल जाएगा और ये इसका टैकोमीटर है और इसमें राइट में है जो स्पीडोमीटर है। तो और ये इसका टेम्परेचर मीटर है, बीच में आपको ट्रिप या ट्रिप भी आप सेट कर सकते हो। और ये इसका स्पीडोमीटर में फ्यूल मीटर भी मिल जाएगा और यहाँ पे आप यहाँ से ट्रिप ए ट्रिप बी भी सेट कर सकते हो। और आगे की बात करते हैं तो आगे की बात करें तो आपको जो रियर वाइपर है वो भी यहाँ से आप हैंडल कर सकते हो। और यहाँ पे हम गाड़ी को ऑन कर देते हैं। ये हमने गाड़ी ऑन कर दी। सुजुकी का रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया है और ये इसका ड्यूल जेट इंजन है 1200 cc वाला। अब हम इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन करते हैं। यहाँ से हम इसके पहले वॉल्यूम थोड़ी कम कर देते हैं और फ्रंट मिरर में आपको प्रॉपर तरीके सब कुछ दिखेगा। और ए पिलर है जो थोड़ा सा साइज में कम है, इसलिए आपको प्रॉपर दिखेगा। ये इसका टिकट होल्डर है, ये इसके हैलोजन लाइट है और यहाँ पे माइक्रोफोन के प्लेसमेंट और यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा। और ओवरऑल लुक की बात करें तो बहुत बढ़िया लुक के साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ब्लैक फिनिश में मिल जाएगी। इसकी फ्रेम है जो यहाँ पे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा चार्जिंग का। और यहाँ पे आपको एक्स और USB पिन भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर मिल जाएंगे और 5 बक्स का गियर शिफ्टिंग मिल जाएगा और नॉर्मल हैंड ब्रेक मिल जाएगी आपको जो, और AC वेंट्स मिल जाएगी आपको जो बहुत बढ़िया लुक के साथ। और दोनों मिरर के जो पॉइंट है वहाँ पे आपको ट्विटर के प्लेसमेंट मिल जाएगी। और अब हम इसके और रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो हम इसके रियर प्रोफाइल में जाके आपको रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो रियर प्रोफाइल में हम जाते हैं तो आगे बात करें तो ओवरऑल गाड़ी बहुत बढ़िया बनाई है कंपनी ने, तो लुक वाइज और फ्यूचर आपको काफ़ी हद तक बढ़िया मिलेगी। और हम इसकी सीट आगे कर देते हैं क्योंकि पीछे कितनी जगह रहती है। यहाँ पे आपको अट्रैक्शन ऑन ऑफ स्विच और हेडलाइट लेवल अप मिल जाएगा आपको। और रियर प्रोफाइल की बात करते हैं
यह डोर लॉक है इसलिए हम पहले इसको अनलॉक कर देते हैं अंदर से। तो अनलॉक कर देते हैं यहाँ से, तो हमने अनलॉक कर दिया है। अब हम इसके रियर प्रोफाइल में जाते हैं। तो रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको जो डोर में आपको बॉटल की प्लेसमेंट मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको स्पेस की बात करें तो स्पेस सिर्फ बहुत बढ़िया चौड़ाई के साथ आती है, इसमें आपको बहुत स्पेस मिल जाएगी, इसलिए कुछ देखने की बात नहीं। और चारों डोर में आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट है जो सेट एक फिक्स जगह पे ही मिल जाएगा। ओवरऑल गाड़ी का लुक बहुत बढ़िया लग रहा है, और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट मिल जाएगी, और ये इसका एंड पकड़ने के लिए यहाँ पे आपको सिस्टम मिल जाएगा। और गाड़ी का लुक अंदर से तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आप सभी को कैसा लगता है कमेंट ज़रूर करना। और पीछे हम इसके बैक प्रोफाइल की बात करते हैं, तो बैक प्रोफाइल में हम आपको दिखाते हैं। तो बैक प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे LED टेल लाइट्स मिल जाएगी, और रिवर्स लाइट और सिग्नल लाइट आपको हैलोजन मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर डिफॉगर मिल जाएगा, और हाई माउंटेन लैंप मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो और स्विफ्ट क्रोमो मिल जाएगा। और बूट स्पेस की बात करते हैं तो बूट स्पेस आपको 268 लीटर का मिल जाएगा, और ये इसके स्टेपनी है। और आपको जो सीट है जो आपको 60-40 में मिल जाएगी, आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये इसके जेरेक्स आई प्लस की जो रिबिन पड़ी है, और यहाँ पे आपको टायर साइज है वही मिल जाएगी, जो 185/65/15 इंच वाला आपको मिल जाएगा टायर साइज। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, तो इसमें आपको जो एनकैप में रेटिंग है 2 स्टार मिली है, और यहाँ पे जो यहाँ हैंडल देख सकते हैं जो स्क्रू से फिट है, क्योंकि इससे हिलेगा नहीं तो सुजुकी गाड़ी में बहुत दिक्कत आती थी यहाँ पे। और आगे की बात करें तो इसमें आपको कीलेस एंट्री, टेन लाइट्स LED मिल जाएगी, और इसमें आपको जो ओवरऑल 7 कलर ऑप्शन मिल जाएगा, और ये इसका फ्यूल टैंक ओपनर है। और गाड़ी का लुक आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।